ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में पृथ्वी को एक अनोखी पहचान दिलाता है जल। जल, दो अक्षर, भाव एक। इस एक शब्द में मानव जीवन का समावेश है और इसी जीविका को सही से चलाने के लिए जल के साथ अन्न की भी उतनी ही भागीदारी है। जब बात भागीदारी की आती है, तब हर नदी, हर कुएं, हर हल, हर फल, हर फूल, हर गांव और हर शहर के योगदान को सराहा जाता है और ऐसी ही प्रशंसा प्राप्त कर रहा है नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किया गया कनाड नदी पुनर्जीवन एवं जल संरक्षण कार्यक्रम। पानी जहाँ है वहीं जीवन है, ये कहा जाता है। हमारा एक ही काम रहा है कि इस पानी को इस शहर को दे देंगे, इस जिले को दे देंगे। हमारा एक लक्ष्य था कि यहाँ पे इन पूरे गांवों में या इंदौर शहर में सिर्फ पानी टैंकरों से आता था। हमारे पूरे क्षेत्र में टैंकर का परिवहन रुक गया है और हमारे बोरवेल और कुओं में पानी इतना आ गया कि हमें दूसरे गाँव पर निर्भरता नहीं रही। सारे गाँव, सारे किसान अपने अपने आत्मनिर्भर हो गए। मेरा नाम मूलचंद जी पटेल, ग्राम भागवत खड़ी का रहने वाला। ये इसमें पानी की पहले थोड़ी कमी थी, बहुत ये नहर चलती थी जब तक आती नहीं, इसके बाद को ख़त्म हो जाता था। अब ये पानी थोड़ा रुकेगा तो यहाँ पानी रुकने से इसके जल स्रोत की बढ़ेगा। पूरे गांव में 8-16 जो डैम बनाए तो हमारे गांव का जो पानी है वो बाहर बहुत कम जाता है। जो आखिरी में बह के निकल जाता था पहले, वो अब वो डैमों के माध्यम से पानी गाँव में ही रुकता है, तो उससे बहुत फायदा हुआ। और पानी से इतना फायदा हुआ कि हर किसान को 3 फसल मिल रही है, 2 फसल एक्स्ट्रा मिलने लग गई। पहले सिर्फ एक ही फसल करते थे, बारिश की और ये रबी की फसल बस। धीरे धीरे वाटर सेट के कार्य चालू हुए, छोटे छोटे चेक डैम बने, स्टाफ डैम बने और उसके बाद स्थिति यह हुई कि हम पेयजल के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। अब हेडपम्प में भी सूख जाता था, कुएं में सूख जाता था, अब डैम बनने हो गए, थोड़ा मतलब अच्छी परेशानी दूर हो गई हमारी। नहीं तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बहुत परेशानी पड़ती थी, पहले से अब अच्छा है। जल स्तर गांव का बढ़ने से गांव खुशहाल है, खुशहाल के साथ में यहां के नागरिक और किसान सभी खुशहाल है। IWMP द्वारा उचित अनुसंधान व अन्वेषण के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत संबंधित क्षेत्रों में स्टॉप डैम बनाए गए जिनमें पानी को रोका जाता है ताकि इस पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। कनाड रिवर रिवाइवल के हमारे प्रोजेक्ट के द्वारा जो हमारे हरसौला एवं आसपास की 6 ग्राम पंचायतें एवं 11 से 15 गांव, इसमें जो वाटर लेवल राइज हुआ है जिससे सॉइल मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ा है, इसमें ये इम्पैक्ट देखने को मिला है कि जो आसपास के जो हमारे फार्मर्स हैं वो लोग पहले 2 फसलें लेते थे, अब वो 3 फसलें लेने लगे हैं एवं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं वो अपने 3rd फसल में। इसके साथ साथ इसमें डेयरी फार्मिंग का भी इम्पैक्ट बढ़ा है, वो लोग अपने जो पशु हैं उनको भी अपने फार्म पे रखते हैं क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी है। इस कारण से ये 3 इम्पैक्ट हमारे मेजर हुए हैं कि आप 3 क्रॉप्स ले रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप की तरफ जा रहे हैं एवं डेयरी फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। इन सूक्ष्म जल भंडारणों के निर्माण के उपरांत तालाबों की 4.31 लाख सह भंडारण क्षमता बढ़ गई है। इस तरह चोरल और सुकड़ी के पुनर्जीवन के उपरांत कनाड को भी जिंदा किया गया है। साथ ही संपूर्ण इंदौर जिले में पिछले 5 सालों में 60 लाख पौधों का पौधारोपण किया गया है जिसमें विभिन्न संस्थानों की भागीदारी रही है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट में हमने रिवर रिवाइवल के अंदर कनाड रिवर लिया गया था जो कि दतौदा मऊ ब्लॉक से निकलकर नर्मदा में जुड़ती है, इट्स अ सेकेंड ऑर्डर चैनल। इसमें हमने रिवर रिवाइवल में 3 अलग अलग स्कीम्स, IWMP इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नरेगा एवं रूरल मिशन, इन 3 के अंतर्गत हमने इसमें 3 मुख्य प्रकार की संरचनाएं बनाई थी। पहली संरचना चेक डैम्स थे, इसमें हमने 59 चेक डैम्स का निर्माण किया। दूसरी संरचना थी चैनल ट्रेंचिंग कहते हैं, ऐसे हमने 10 प्रोजेक्ट लिए थे। इसके साथ फार्म पॉन्ड्स लिए गए थे जो आसपास के जो रिवर के कैचमेंट एरिया में आते हैं। एक हमने जो इसमें नई जो संरचना डेवलप की थी वो रिचार्ज शाफ्ट डेवलप किया था। इसके करीब हमने 18 रिचार्ज शाफ्ट बनाए हैं जिससे कि ये जो 4 चीज़ें हैं, जो 4 प्रोजेक्ट्स हमने लिए थे एक सिंगल रिवर रिवाइवल प्रोजेक्ट में, इसने वहाँ का एक तो रिवर को पेरिनियल बनाने के लिए काफ़ी मदद की है। इसके साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र है उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज एवं जो सरफेस वाटर है जो कि वेल की शेप में हमें दिखता है या फिर जो हमारे फार्म पॉइंट्स में दिखता है वो भी काफ़ी, उसका स्तर काफ़ी हाई था जिससे कि
जल संवर्धन एवं वाटर कंजर्वेशन में काफी हमें फायदा मिला। प्रशासन एवं संबंधित अफसरों द्वारा जल संरक्षण हेतु और भी अन्य कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट एवं उस जल का पुनः उपयोग। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का स्थापन एवं स्टेप वेल नवीकरण। जल संरक्षण जरूरत भी और कर्तव्य भी।